भाई ये सवारी चली, माइके को सारा सामान ले जाके गाड़ी में रख दिया, और उससे पहले कपू ने जाके अपनी एक पूरी की पूरी सीट ही बुक कर ली है। यहाँ नहीं, मैं आगे जाना। कपू ने पूरी सीट पे कब्जा कर लिया। इस बात पे उसकी बहन को भी हंसी आ गई, जिसके बड़े बड़े कान है। सवा दो घंटे का सफर तय करके 9:15 हम घर पहुंच चुके। दोनों ही चाचा के जिगर के टुकड़े हैं, इसलिए गेट पे आगे वेलकम करने के लिए और फिर भांजे को भी खुश करने के लिए ये जतन करना पड़ा। और ये है लालची ननंद, जो भाग भाग के काम कर रही है क्योंकि भाभी से कोई काम निकलवाना, बाकी तो कभी एक लोटा भी इधर से इधर उठाकर नहीं रखती, बस सूखा सूखा ज्ञान देती रहती है। भाभी भी कम नहीं है, पूरी तेल की बोतल उड़ेलने वाली थी मेरे सिर पे। चंपी करवा के हम निकल ली है गांव को, यानी मेरे पापा की दुकान पे जा रही हूँ। और आपको तो पता है बिना लालच के मैं कहीं जाती नहीं हूँ, और मम्मी लेके जा रही है उनके लिए टिफिन। तपती रेत और तेज धूप में 3 किलोमीटर पैदल चल के जब पापा की टिफिन लेके पहुंची तो अंदर से खुशी से फूली नहीं समा रही थी कि आज मैं पापा के लिए टिफिन लाई हूँ। पहले सब्जी फिर दही देख लिया, और जब रोटी वाला टिफिन खोला तो एकदम खा ली। अब मम्मी चली गई अपने काम से और मैं यहाँ फंस गई। हाँ तो आज जवाब भी देना था, मैंने अपनी पार्टी बदल ली और बोला मम्मी टिफिन लेके आई थी, मुझे नहीं पता, मैं आपके लिए सामने होटल से रोटी ला सकती हूँ। पापा की लकड़ी की दुकान है और मैंने भी कुछ चटम पटम चटम बना दिए। तो वीडियो देखने के लिए गमुसारण चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय।